कुछ बैक्टीरियोलॉजिकल डाटा दिया जाया जा रहा है। सबसे पहले हम लोग स्टेफ ऑरियस के बारे में बातचीत करेंगे। इसकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है? ग्राम पॉजिटिव कॉकाई होती है, ग्रेप लाइक क्लस्टर में मिलती है, नॉन मोटाइल होती है, नॉन स्पोरिंग होती है। स्टेफ ऑरियस ग्राम पॉजिटिव कॉकाई होती है, ग्रेप लाइक क्लस्टर में मिलती है, नॉन मोटाइल होती है, नॉन स्पोरिंग होती है। कल्चर करने पर 10 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड में बढ़ जाती है। पीएच 7.4 से 7.6 के बीच में एरोब भी होती है, फैकल्टेटिव एनएरोब भी होती है। स्टेफ ऑरियस 10 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्रो कर जाती है, पीएच 7.4 से 7.6 में बढ़ती है, एरोबिक होती है और फैकल्टेटिव एनएरोब भी होती है। न्यूट्रिएंट अगर में ये तो मैं सर्कुलर स्मूथ कॉन्वेक्स ओपेक कॉलोनी बना रही होती है और ये इजीली इमल्सिफाइबल होती है, लेकिन ये गोल्डन येलो पिगमेंट भी बनाती है। न्यूट्रिएंट अगर में स्टेफ ऑरियस सर्कुलर स्मूथ कॉन्वेक्स ओपेक कॉलोनीज बनाती है, इजीली इमल्सिफाइबल होती है और ये गोल्डन येलो पिगमेंट बनाया करती है। ब्लड अगर में स्टेफ ऑरियस बीटा हिमोलिसिस दिखाती है, ब्लड अगर में स्टेफ ऑरियस बीटा हिमोलिसिस दिखाती है। मैकॉनकीज अगर में स्टेफ ऑरियस स्मॉल पिंक कॉलोनी दिखाती है लैक्टोज फर्मेंटेशन के वजह से, मैकॉनकीज अगर में स्टेफ ऑरियस स्मॉल पिंक कॉलोनीज दिखाती है लैक्टोज फर्मेंटेशन के वजह से। सिलेक्टिव मीडिया स्टेफ ऑरियस के लिए होती है सॉल्ट मिल्क अगार एंड लुडलम्स मीडिया। सिलेक्टिव मीडिया स्टेफ ऑरियस की होती है सॉल्ट मिल्क अगार और लुडलम्स मीडिया। मैनिटोल सॉल्ट अगार जो होती है इसके अलावा मैनिटोल सॉल्ट अगार जिसमें फेनॉल रेड इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं, इसमें स्टेफ ऑरियस येलो कलर कॉलोनीज बनाती है। मैनिटोल सॉल्ट अगार जिसमें फेनॉल रेड इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं, इसमें स्टेफ ऑरियस येलो कलर्ड कॉलोनीज बनाया करती है। मिल्क अगार जो होती है इसमें स्टेफ ऑरियस साइज में भी बढ़ जाती है और पिगमेंट भी ज्यादा प्रोड्यूस कर रही होती है। मिल्क अगार जो होती है उसमें स्टेफ ऑरियस साइज में बड़ी बन जाती है और पिगमेंट भी ज्यादा प्रोड्यूस करती है। लिक्विड मीडिया जैसे कि पेप्टोन वाटर और न्यूट्रिएंट ब्रॉथ इनमें स्टेफ ऑरियस यूनिफॉर्म टर्बिडिटी दिखाती है। लिक्विड मीडिया जैसे कि पेप्टोन वाटर और न्यूट्रिएंट ब्रॉथ इनमें स्टेफ ऑरियस यूनिफॉर्म टर्बिडिटी दिखाया करती है। बायोकेमिकल रिएक्शन अगर चेक किया जाए तो स्टेफ ऑरियस कैटालिस्ट पॉजिटिव होती है, ऑक्सीडेज नेगेटिव होती है। ये कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट कर देती है जिसको चेक करते हैं हम लोग हग लेफसन मीडिया से, और इसमें एसिड बनाती है लेकिन गैस नहीं बनाती है। मैनिटोल को भी फर्मेंट कर देती है और कोएगुलेस भी पॉजिटिव होती है। उसे देखिए स्टेफ ऑरियस कैटालिस्ट पॉजिटिव होती है, ऑक्सीडेज नेगेटिव होती है, कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट कर देती है जिसको हम लोग चेक करते हैं ह्यूग लिप्सन मीडियम में, इसमें ये एसिड बनाती है लेकिन गैस नहीं बनाती है। मैनिटोल को फर्मेंट कर देती है और कोएगुलेस भी बना रही होती है। इसके अलावा स्टेफ ऑरियस जो होते हैं जेलेटिन लिक्विफैक्शन पॉजिटिव होती है, फॉस्फेटेज बनाती है, डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियस बनाती है और टेल्यूराइड रिडक्शन भी कराती है। स्टेफ ऑरियस जेलेटिन लिक्विफैक्शन भी कराती है, फॉस्फेटेज भी बनाती है, डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियस भी बनाती है और टेल्यूराइड रिडक्शन भी करती है। इसके अलावा ये यूरिया को हाइड्रोलाइज करती है, नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स में बदलती है, इंडोल नेगेटिव होती है, एमआर और वीपी पॉजिटिव होती है, एक योग मीडिया में ये डेंस ओपेसिटी दिखा रही होती है। स्टेफ ऑरियस यूरिया को हाइड्रोलाइज करती है, नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स में बदलती है, इंडोल नेगेटिव होती है, एमआर और वीपी पॉजिटिव होती है और एक योग मीडिया में डेंस ओपेसिटी बना रही होती है। स्टेफ ऑरियस को मर जाती है 62 डिग्री सेंटीग्रेड में आधे घंटे में, क्रिस्टल वायलेट में, ब्रिलियंट ग्रीन में, मर्क्यूरी परक्लोराइड में और लाइसोस्टेफिन में। स्टेफ ऑरियस किस किस वजह से मर जाती है? 62 डिग्री सेंटीग्रेड में आधे घंटे में, क्रिस्टल वायलेट में, ब्रिलियंट ग्रीन में, मर्क्यूरी परक्लोराइड में और लाइसोस्टेफिन में। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो स्टेफ ऑरियस में एक पॉलीसैकेराइड कैप्सूल होती है, पॉलीसैकेराइड पेप्टिडोग्लाइकन होती है इसके सेल वॉल में, टेइकोइक एसिड होती है उसके सेल वॉल में और प्रोटीन ए भी होती है उसके सेल वॉल में। स्टेफ ऑरियस के एंटीजेनिक स्ट्रक्चर क्या क्या होती है? इसके पास एक पॉलीसैकेराइड कैप्सूल होती है, पॉलीसैकेराइड पेप्टिडोग्लाइकन होती है उसके सेल वॉल में, टेइकोइक एसिड होती है उसके सेल वॉल में और प्रोटीन ए भी होती है सेल वॉल में। स्टेफ ऑरियस के जब टॉक्सिन्स देख रहे हैं तो एक होती है हीमोलाइसिन जिसके 4 यूनिट होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। बीटा वाली हॉट कोल्ड फिनोमेना दिखाती है। स्टेफ ऑरियस के एक टॉक्सिन होते हैं हीमोलाइसिन जो होती है अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा सब यूनिट की, और इसकी बीटा सब यूनिट में हॉट कोल्ड फिनोमेना दिखाती है। इसके अलावा स्टेफ ऑरियस में ल्यूकोसिडिन टॉक्सिन भी होती है जिसको हम लोग पैंटोन वैलेंटाइन टॉक्सिन कहते हैं, और इसके एक स्लो कंपोनेंट होती है, एक फास्ट कंपोनेंट होती है। स्टेफ ऑरियस में ल्यूकोसिडिन टॉक्सिन होती है जिसको हम लोग पैंटोन वैलेंटाइन टॉक्सिन भी कहते हैं, इसकी एक स्लो कंपोनेंट होती है, एक फास्ट कंपोनेंट होती है। इसके अलावा स्टेफ ऑरियस में एक इंट्रोटॉक्सिन होती है जो फूड पॉइजनिंग कराते हैं 2 से 6 घंटे में। स्टेफ ऑरियस में एक इंट्रोटॉक्सिन होती है जो फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं 2 से 6 घंटे में, और स्टेफ ऑरियस टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है जो टीएसएस कॉज कर देती है। स्टेफ ऑरियस टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है, टीएसएस प्रोड्यूस कर देती है, और स्टेफ ऑरियस एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन पैदा करती है जिसकी ए और बी कंपोनेंट होती है, और ये स्कैफोलोकोकस स्काल्डेड स्किन सिंड्रोम कॉज करती है। स्टेफ ऑरियस के और इसके पास एक एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन भी होती है जिसकी ए और बी कंपोनेंट होती है और स्कैफोलोकोकस स्काल्डेड स्किन सिंड्रोम प्रोड्यूस किया करती है। नेक्स्ट देखिए स्टेफ ऑरियस जो होती है वो एंजाइम बनाती है कोएगुलेस टाइप ए, क्लंपिंग फैक्टर, फॉस्फेटेज और डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियस। स्टेफ ऑरियस एंजाइम्स बनाती है कोएगुलेस टाइप ए, क्लंपिंग फैक्टर, फॉस्फेटेज और डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियस। क्लंपिंग फैक्टर को हम लोग बाउंड कोएगुलेस भी कहते हैं, क्लंपिंग फैक्टर को हम लोग बाउंड कोएगुलेस भी कहते हैं। स्लाइड कोएगुलेशन टेस्ट हम लोग बाउंड कोएगुलेस डिटेक्ट करने के लिए कहते हैं, ट्यूब कोएगुलेशन टेस्ट हम लोग फ्री कोएगुलेस को डिटेक्ट करने के लिए कहते हैं। स्लाइड कोएगुलेशन टेस्ट बाउंड कोएगुलेस के लिए की जाती है, ट्यूब कोएगुलेशन टेस्ट फ्री कोएगुलेस के लिए की जाती है। पैथोजेनेसिस देखेंगे तो स्टेफ
फॉरियस क्यूटेनियस इन्फेक्शन कॉज करती है पिस्ट्यूल बॉयल कार्बनकेल एब्सेस स्टाई इम्पेटिगो पेम्फिगस नियोनेटोरम वुंड इन्फेक्शन और बर्न इन्फेक्शन। क्यूटेनियस इन्फेक्शन स्टेफोरियस कॉज करती है पिस्ट्यूल बॉयल कार्बनकेल एब्सेस स्टाई इम्पेटिगो पेम्फिगस नियोनेटोरम वुंड इन्फेक्शन और बर्न इन्फेक्शन। इसके अलावा स्टेफोरियस डीप इन्फेक्शन कॉज करती है ऑस्टियोमायलाइटिस टॉन्सिलाइटिस फेरिंजाइटिस साइनोसाइटिस न्यूमोनाइटिस एम्पायमा एंडोकार्डाइटिस मेनिनजाइटिस और सेप्टिसेमिया और पाइमिया। डीप इन्फेक्शन स्टेफोरियस कॉज करती है ऑस्टियोमायलाइटिस टॉन्सिलाइटिस फेरिंजाइटिस साइनोसाइटिस न्यूमोनाइटिस एम्पायमा एंडोकार्डाइटिस मेनिनजाइटिस सेप्टिसेमिया एंड पाइमिया। फूड पॉइजनिंग स्टेफोरियस कॉज करते 2 से 6 घंटे में इसके अलावा स्टेफोरियस नोसोकोमियल इन्फेक्शन भी करती है और स्टेफोरियस स्किन एक्सफोलिएटिव डिजीज कॉज करती है फोरेस सिंड्रम बुल्लस इम्पेटिगो पेम्फिगस नियोनेटोरम और रिटर्स डिजीज। स्टेफोरियस आपकी स्किन एक्सफोलिएटिव डिजीज कॉज करती है फोरेस सिंड्रम बुल्लस इम्पेटिगो पेम्फिगस नियोनेटोरम और रिटर्स डिजीज। इसके अलावा स्टेफोरियस टीएसएस भी कॉज करती है स्टेफोरियस की टाइपिंग मेथड होती है बैक्टीरियोफेज टाइपिंग और पल्स फिल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। स्टेफोरियस की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स के लिए बेंजोथाइन पेनिसिलिन चलाते हैं बीटा लैक्टेमेस प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन्स के लिए क्लॉक्सिसिलिन देते हैं और मरसा वालों के लिए वैनकोमाइसिन दिया करते हैं। सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स के लिए हम लोग बेंजोथाइन पेनिसिलिन चलाते हैं बीटा लैक्टेमेस स्ट्रेन वालों के लिए हम लोग क्लॉक्सिसिलिन चलाते हैं और मरसा प्रोड्यूस करने वाले स्ट्रेन्स के लिए वैनकोमाइसिन चलाया जाता है। ये थी थोड़ी सी बातें स्टेफोरियस का।